सुरेंद्र कमांडर जी एक प्रोग्राम में ढोलक बजा रहे थे और कुछ अपनी हंसी बजा के, देखिए भगवान ने जितना शरीर दिया है उतने का पूरा उपयोग पूरा एंजॉय करता अपनी जिंदगी में। जीना इसी का नाम है। ये शख्सियत इनको प्रोग्राम में मिली और जब प्रोग्राम से इन्होंने इनको फ़ोन किया तो कमांडर जी क्या बात हुई फिर आपकी? धन्यवाद। मैंने अपने पत्नी को कहा हाँ इनका फोन आया कि मैं आपसे शादी करना चाहिए, ये मेरी लव मैरिज शादी है, लव मैरिज। और मैंने कहा भाई मैं इतना काला हूँ तुझे क्या पसंद आया? इन्होंने कहा जो तो अच्छे हाथ पैर वाले होते हैं बोल शाम को टाइट हो गया आते हैं बोल दे अपनी दिल को दिखाई कर देते हैं और तुम तो एक कलाकार हो और कलाकार हमेशा करुणमयी होता है। तो मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ, इन्होंने कहा कि मुझे चेहरे से क्या थे, इन्होंने गीत गाया अरे वो था चेहरा क्या देखते हो ये इनकी कहानी थी। और एक छोटा सा शेर बोलूंगा, जो जीते हैं अपने लिए वो यही रह जाते हैं, जो जीते हैं अपने लिए वो यही रह जाते हैं, जो जीते हैं दूसरों के लिए वो आसमान छू जाते हैं। और जैसे माता मेरा जी और मैं है ना मैम, थैंक यू मैम। आप बोलिए, आपको बना रहे हैं उनसे। पिंकी जी से पहले आप तो पूछिए। पिंकी जी मैं आपको ऐसी क्या बात नजर आई जो आपने इनसे व्यवहार रचाया? मुझे इनका इनकी कला पसंद आई मेरे तीन तालियों से। और मैं जब सुबह की रिहर्सल कर रहा था कमांडर की, तो कमांडर ने कहा भाई साहब एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी पत्नी भी गाती है तो इसका भी अभी आपको गीत सुनाएंगे। बहुत अच्छा ही लड़की गा रही है, सबसे बड़ी बात यह है देखिए ये भी कलाकार है। तो देखिए कला के लिए समर्पित जीना इसी का नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं, जीना इसी का नाम है। मैं एक शख्सियत को और मंच पर बुला रहा हूँ, वो है सुधीर।